press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीफो टेक्नो में, जहां पे आपको मिलती हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्लेयर है, जो इसके आगे एमएक्स प्लेयर भी फेल है। जी हाँ, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस आते हैं। तो ये जो ऐप है एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। जो पुराना इसका वर्जन था वो भी काफ़ी अच्छा था, जो नया आया है वो इससे और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप जो है वीडियो को जूम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई मल्टीटास्किंग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आप बैक चले जाएंगे तो वीडियो जो है वो भी प्ले होती रहेगी, तो आप काम भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो ऐप है इसका नाम है मोबो प्लेयर, तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो चलिए चलते हैं इस ऐप की तरफ, और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो मैं नई नई वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जिस ऐप के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, उसका नाम है मोबो प्लेयर। तो दोस्तों, उसको डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने टाइप करना है मोबो प्लेयर बिना स्पेस दिए। तो दोस्तों, जैसे ही ये मैं मोबो प्लेयर जो है ये टाइप करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, तो सजेशन में ये शो कर रहा है। तो दोस्तों, आपने इस पर क्लिक करना है। आप ध्यान से इसके लोगों को देख लीजिए और इसके जो डिवेलपर्स हैं उसका नाम भी देख लीजिए। मोबो प्लेयर्स और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, इसी लोगो वाले मोबो प्लेयर्स को जो है वो डाउनलोड करना है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आपने क्या करना है, अगर आप अपने फ़ोन में पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं तो आपने जो है अपनी स्टोरेज है उसको स्कैन कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है और इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए ये मेरी वीडियो जो हैं और ऑडियोज़ हैं वो पहले से ही स्कैन हो चुकी हैं और इसकी एक प्ले लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपकी भी जो प्ले लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, जैसे ही मैं वीडियोज़ पर क्लिक करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए इसके कुछ फंक्शंस दिखाने के लिए जो है वीडियो एक प्ले करूंगा और बताऊंगा आपको कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और आप इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं एक वीडियो डेमो वीडियो प्ले करता हूं, तो दोस्तों जैसे ही मैंने वीडियो प्ले की है तो दोस्तों ये देखिए प्ले हो चुकी है। अब दोस्तों, जो पहला फंक्शन जिसका है दोस्तों, आप इसमें जो है जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है कई कबार क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है और जो वीडियोस है वो मैचिंग जो है वो नहीं होती है। आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक ब्लैक साइड से शो करती है, वीडियो जो है पूरी स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि डबल क्लिक करके तो जूम करके तो आप जो है अपनी फ़ोन की स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक वीडियो को फुल स्क्रीन में जो है वो प्ले कर सकते हैं। आप 500% तक इसमें जो है वो जूम कर सकते हैं। अगर आपके HD क्वालिटी में कोई वीडियो है तो आप उसको जूम करते हैं तो दोस्तों वो 500% तक जो है जूम हो जाएगी और जो पिक्सल्स हैं वो भी नहीं टूटेंगे, जो वीडियो है वो क्लियर दिखेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसका, जो स्क्रीन एडजस्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसकी मदद से आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्केल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, स्केल ऑप्शन से आप जो है अपने अनुसार कस्टम जो है वो जो है स्क्रीन की जो रेशो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर 16:9 है, जैसे मैक्सिमम फोन में होती है 16:9, आजकल तो 18:9 के फ़ोन भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप जो है अपने फ़ोन के अनुसार जो है वो स्क्रीन को यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसकी स्क्रीन का एक फंक्शन था जो एडजस्ट करने का। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये नेक्स्ट जो फंक्शन है, आप जो आपको अगर कोई सीन जो है फिल्म में जो है अच्छा लगा है, कोई पिक्चर आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप चाहे आप जूम करके निकालिए या जैसे भी निकालिए, जहाँ पे आप होल्ड करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, शॉर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है वो ईज़िली जो है वो सेव हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो भी फुल HD में होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो फंक्शन है, कहीं कभार क्या होता है कि हमारे घर में या आसपास में कहीं कोई बच्चा होता है, उसको फ़ोन देना पड़ता है, वो ज़िद करता है, तो वो फ़ोन में जो है अननोन जगह पे टच करेगा, जिससे जो है फ़ोन के डिफरेंट फंक्शंस जो है ओपन होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता होता है, नॉलेज नहीं होती है कि किस ऑप्शन से क्या निकलेगा, कैसे हमने क्या करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ये वीडियो प्ले हो रही है तो आपने यहाँ पे लॉक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब वो जो बच्चा होगा वो कहीं भी क्लिक करेगा तो दोस्तों इससे क्या होगा कि वीडियो जो है वो चलती रहेगी, फ़ोन में कोई और एक्शन नहीं होगा, चाहे वो जहाँ मर्जी टच करेगा तो कोई और फंक्शन ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो एक
जो है फंक्शन था इसका। नेक्स्ट फंक्शन में आपको बताता हूँ, आप यहाँ से वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो और जो मेन फंक्शन है इसका दोस्तों, आजकल जो है समस्या आ रही है काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोगों के पास स्मार्ट टीवीज़ हैं, काफ़ी लोगों के पास जो है वाईफाई डिवाइसेस हैं जैसे एनीकास्ट, क्रोमोकास्ट, तो वो उनको जो है इजीली कनेक्ट नहीं होता है उससे। तो दोस्तों उसके लिए डिफरेंट ऐप्स हैं, वो अगर आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये वीडियो क्वालिटी जो है फुल एचडी में प्रोड्यूस करता है और इसमें जो है लैगिंग भी हैंग नहीं करता है, ये बिल्कुल भी ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाता है किसी स्मार्ट टीवी से या DLNA डिवाइस से। एनीकास्ट जो है वो वर्क करता है या तो कास्ट स्क्रीन ऑप्शन पे, अगर कास्ट स्क्रीन ऑप्शन मिसिंग है तो फिर तो आपको इससे जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो ऐप है आपने क्या करना है, सिंपली इस पे टीवी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टीवी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो आपकी DLNA डिवाइस होगी वो उसका जो है नेम यहाँ पे शो होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। कोई पासवर्ड या कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक करना है तो जो वीडियो है आपकी टीवी पे सीधा प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसका, ये इजीली जो है कनेक्ट हो जाता है किसी भी जो वाईफाई डिवाइस है, जो स्क्रीन मिररिंग है, इजीली जो है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब आप इसके राइट में यहाँ पे स्वाइप करेंगे अपवर्ड, तो दोस्तों यहाँ से इसका होता है वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और लेफ़्ट में इसकी जो है ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्वाइप करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है कि आप इसमें जो है देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको वीडियो को शुरू से फिर से प्ले करता हूँ, जैसे मैं इसको प्ले किया तो आप यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्लिप किया तो दोस्तों देखिए ये वीडियो जो है अब उल्टी हो गई है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे फ्लिप किया जाता है वीडियोस को, वो काफ़ी टाइम लेते हैं फ्लिप करने में। आप यहाँ से उसी टाइम में जो वीडियो है एक ही क्लिक से जो है फ्लिप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये जो है बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर है, कभी भी हैंग नहीं करता है फ़ोन में। अगर इसके पूरे फंक्शंस में बताने बैठूंगा आपको तो वीडियो को जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इससे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के जो सीन हैं उसको रिपीट करके सुन सकते हैं, वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इसकी प्लेबैक स्पीड जो है उसको भी ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। जो प्लेबैक स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है पूरा पर्सनलाइज इस वीडियो प्लेयर को अपने अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा जो है ऐप माना गया है वीडियो प्लेयर का, जो इसको मैं तकरीबन 2014-15 से यूज़ करता आ रहा हूँ। तो इसके जो वर्जन हैं काफ़ी अपडेट होते रहते हैं, जो पुराना वर्जन था वो भी अच्छा था, लेकिन ये जो नया है ये और भी अच्छा है। दोस्तों ये जो वीडियो प्लेयर है ये आपको जो है बहुत ही हेल्प करेगा आपकी वीडियोस को प्ले करने में, आपके जो फ़ोन में जो है आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं करेगा। दूसरे जो वीडियो प्लेयर्स होते हैं उनमें जो फंक्शंस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप जो है मैं आपको जो बताए हैं वो तो आपको याद रहेंगे। अगर आपको और जो है इस पे जो आप जानना चाहते हैं तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद आप इस पे खुद जो है वो देख लेना। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लास्ट में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो नई नई वीडियोज़ लाऊँ वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।